निगाहों से बाहर निकलने लगे तो इस तरफ गम ही गम था और उधर तो इस तरफ गम ही गम था और उधर हमारे प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यहां उपस्थित बहनों भाइयों प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश खुशकिस्मत है इंदौर सौभाग्यशाली है कि सैयदाना साहब के चरण यहां पड़े हैं आपके साथ मैंने भी रिक्वेस्ट की थी निवेदन किया था कि वो मध्य प्रदेश की धरती पे इंदौर पर जरूर पधारें उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मध्य प्रदेश को यह सौभाग्य उन्होंने दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी जो अपने देश को और देश की जनता को आगे बढ़ाने में दिन और रात लगे हुए हैं वो पधारे हमारी खुशकिस्मती है इस मौके पर सचमुच में ये वातावरण ये दृश्य देख के लगता है ऐसा अनुशासित ऐसा समर्पित सबको प्यार करने वाला अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाला दूसरों की मदद करने वाला अगर कोई समाज है तो ये दाऊदी बोहरा समाज है मुझे तो सौभाग्य मिला स्वर्गीय सैयदाना साहब से भी मिलने का मैं इंदौर कभी भूल उज्जैन कभी भूल नहीं सकता जब मैं उनके दर्शन करने गया था और उन्होंने मेरा हाथ चूमा था वो स्पर्श आज भी वैसा का वैसा मुझे याद है और नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है आज सैयदाना साहब हमारे बीच में है कई चीजें ऐसी है जो पूरा देश आपसे सीखता है अब एक साथ भोजन बनना और टिफिन में हर घर जाना और जैसा भोजन सैयदाना साहब करते हैं वैसा हर भाई और बहन करता है कोई भेदभाव नहीं ये अपने आप में अद्भुत है कोई भूखा नहीं सो सकता और केवल इतना ही नहीं हर एक के सिर पर छत हो प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देश के गरीबों को छत मुहैया करा रहे हैं 2022 तक उन्होंने संकल्प लिया है मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के धरती पर कोई गरीब बिना पक्की छत के नहीं रहेगा लेकिन बोहरा समाज तो पहले से ही तय कर चुका है कोई बिना छत के नहीं रहेगा समाज के अंदर से अभियान चलाया हुआ है बच्चों की तालीम शिक्षा महिला शिक्षा सचमुच में आपने अद्भुत काम किया है काम धंधा करना हो तो इस समाज के अंदर की व्यवस्था है कि हम बिना ब्याज तो वैसे भी हराम है लेकिन उसकी मदद करते हैं सचमुच में यह वातावरण अगर सब में बन जाए तो जन्नत यहीं धरती पर उतर आए मैं इस मौके पर एक बार फिर मध्य प्रदेश को खुशकिस्मत मानता हूं कि आज सैयदाना साहब भी है और अपने प्रधानमंत्री जी भी यहां पधारे हैं आप भी गरीबों के दुख दूर करने में लगे हुए हैं सबके साथ समान व्यवहार पर्यावरण के लिए ये उज्जैन हिंदुस्तान की क्लीनेस्ट सिटी है सबसे स्वच्छ शहर और मुझे कहते हुए गर्व है कि इसमें दाऊदी बोहरा समाज का जबरदस्त योगदान है जबरदस्त योगदान है मुझे याद है जब नर्मदा सेवा यात्रा निकाली तो
बोहरा समाज का पर्यावरण प्रेम, लाखों पेड़ बोहरा समाज ने मिलकर लगाए थे उस समय पर्यावरण को सुधारने के लिए, प्रकृति से प्रेम, स्वच्छता, स्वच्छता प्रधानमंत्री जी ने आंदोलन बना दिया। अब फिर 17 तारीख से अभियान शुरू हो रहा है जिसमें देश भर जुट रहा है। और मुझे खुशी है कि एक दिन यहां इंदौर में सफाई कर्मियों ने किसी कारण से एक दिन का अवकाश लिया तो इंदौर की जनता झाड़ू लेके निकल पड़ी कि अपने शहर को गंदा नहीं होने देंगे। और बोहरा समाज, दाऊदी बोहरा समाज उसमें अग्रणी था। सचमुच में ऐसे समाज को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और सैयदाना साहब आप पधारे, आपका स्नेह, आपका प्रेम और आपकी कृपा यहाँ बरसती रहे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूँ कि इस अवसर पर वो पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद।